वेलकम बैक टू माई चैनल द डिवाइन पावर 111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में एंड ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अचीव कर रहे होंगे। तो चलें आज हम ये चेक करेंगे कि आप में जो ये चल रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये कब तक ख़त्म हो सकती है एंड कारण क्या है कि आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं। आज हम ये चीज़ें फाइंड करेंगे और देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। रीडिंग जर्नल है, थीटा पर आपने ध्यान नहीं देना है। टाइमलेस होती है मेरी रीडिंग, जब भी आपके सामने से गुजरेगी, आपकी नज़र के सामने आएगी, या आपके लिए उस समय का मैसेज होगा यूनिवर्स की तरफ से। तो चलें चेक करते हैं, निकाल लीजिए अपने पर्सन की पिक्चर को। तो देखते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो अभी इस समय आपके बीच में बनी हुई है, आपके रिलेशन में जो चल रही है, वो कब तक ख़त्म होने के चांस हैं। ठीक है जी, चलें चेक करते हैं। ले लीजिए अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने नाम के साथ। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। यूनिवर्स बताइए इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं एंड जिस भी पर्सन का ध्यान करते हुए, सोचते हुए, जिनका नाम अपने नाम के साथ लेते हुए ये रीडिंग देखने वाले हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म हो सकता है। कारण भी दे दीजिएगा कि ये अभी तक क्यों चल रहा है, क्यों इस सिचुएशन का एंड क्यों नहीं हो पा रहा है। चले मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आए हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा, डीप ब्रीथ कीजिएगा, चाहे तो पानी का गिलास रख सकते हो अपने सामने, कांच का गिलास होना चाहिए प्लेन, और उसमें पानी भर के रख लीजिए और रीडिंग ख़त्म जब होगी तो आपने उस पानी को पी लेना है। ठीक है जी, चलो। नो कॉन्टैक्ट की बात करी तो पहला कार्ड ही टावर का आया है। बातचीत बिल्कुल बंद हो रखी है, आप दोनों ही बहुत उदास हो। यहाँ मुझे आप दोनों की एनर्जी फील हो रही है। अगर आप परेशान चल रहे हो तो आपके पर्सन भी इस सिचुएशन से खुश नहीं है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ईगो हो सकती है, आप दोनों के बीच में कास्ट हो सकती है, आपके पार्टनर का काम भी हो सकता है। अगर इन केस अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो उनकी फैमिली हो सकती है और उनकी लव पार्टनर हो सकता है। फैमिली में उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो। कास्ट, रिलीजन, कुछ भी जो भी आपके साथ मैच करे आपने उसको लेना है। यस, आपके पर्सन भी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से खुश नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों में बातचीत बंद है। आप काफ़ी टाइम से अपने पर्सन की वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। यहाँ मुझे 2 साल का टाइम एंड 3 साल का टाइम भी दिखाई दे रहा है, तो ये किसी किसी के साथ मैच करेगा। तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया है आप अपने पर्सन की वेट कर रहे हो। 3 नंबर 2 बार आया है, तो हो सकता है कि 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। मार्च का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 3 को आपका बर्थडे हो सकता है, या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या कुछ ये जो डेट है, हो सकता है कि इस डेट को आप अलग हुए हो, तो कुछ भी स्नैरियो आपके साथ मैच कर सकता है। यस, ईगो मुझे आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है। एम्परर कार्ड आया है, आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या आप उनसे एज में बड़े हो सकते हो। ठीक है, काफ़ी स्टबर नेचर, काफ़ी ज़िद्दी नेचर के ये मुझे दिखाई देते हैं। ईगो बहुत है इनमें, जो कि बताती है इस रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट का कारण जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ही नर्चरिंग हो, बहुत ही केयरिंग हो। आप अपने पर्सन को वो दुनिया का सारा सुख देना चाहते हो, बस आप ये चाहते हो कि एक बार ये मेरे पास वापस आए, कुछ क्लैरिटी दे। आप काफ़ी लंबे अरसे से वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर में जितनी ईगो दिखाई दे रही है, आप उतने ही डाउन टू अर्थ हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो किसी की ईगो के आगे झुक जाए, लेकिन इस व्यक्ति के आगे आपकी एक नहीं चलती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। आप इनके पीछे पीछे जाते हो, इनको मनाते हो, इनकी वेट करते हो, इनके कॉल मैसेज का दिन भर वेट करते रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है
उनमें ईगो इतनी ज़्यादा है कि वो इस हर चीज़ को, आपके हर एक इमोशन को इग्नोर करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द कपल कार्ड आया है, कंफ्यूजन है, इग्नोर करते हैं लेकिन खुद भी पेन में है। तो यहाँ पे आ गया है कपल कार्ड, जो कि बताता है कि आप दोनों का रिलेशन डेस्टाइन है, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशंस हैं जो कि आपको क्लियर करनी है। आपको तो क्लैरिटी मिल चुकी है कि मुझे कौन से कर्मा क्लियर करने हैं या मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर की बात करें तो वो इस चीज़ से अनजान है, उनको वो और कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। इस प्यारे से रिलेशन को तोड़ते हुए, आपसे दूर जाते हुए, आपको पेन देते हुए, ये बार बार कुछ ऐसे फिर से कर्मा क्रिएट कर रहे हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। नहीं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली मुझे कोई बात नहीं दिख रही है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से ये सब किया जा रहा है एंड और कर्मा आप दोनों के बीच में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलाया गया है तो आपने कुछ ऐसे कर्मा क्लियर करने थे जिससे कि ये जर्नी आपकी इजी हो जाती है ना। तो अभी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे और कर्मा कर रहे हैं जिसके कारण ये फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट हुआ है एंड फिर से ये एक कुछ नए, जैसे कि आपको पेन देना क्योंकि आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मैस्कुलन हो। तो यहाँ पे आपने थीटा पर ध्यान नहीं देना है, तो इनके आप काउंटर पार्ट हो। तो ये आप दो, मतलब अगर मैं बोल सोल टू सोल कनेक्शन है, तो ये फिर से इस सोल को पेन दे रहे हैं, फिर से इस सोल को अपने से दूर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये नए और कर्मा क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों के बीच में जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। जिनसे आप डील कर रहे हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, विर्गो, एरिस, कैप्रिकॉर्न। ये साइन आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका किसी का साइन नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए है। मैं इसीलिए बहुत कम साइन बताती हूँ, फिर ना कन्फ्यूज हो जाते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, दी मेरा साइन तो था नहीं इसमें लेकिन जो एनर्जी आई है वो पूरी मैच हो रही है। तो आपने इस बात की टेंशन मत लिया करो, अगर एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है, आपके पार्टनर की मैच कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आपके पार्टनर आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको लेकर इमोशनल हैं, आपको अपने प्यार का कप भी देना चाहते हैं। आज भी आपको जब सोचते हैं आपके बारे में तो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड थर्ड पार्टी मुझे आपके पार्टनर की ईगो दिखाई दे रही है। आप दोनों में इस नो कॉन्टैक्ट जो चलता आ रहा है, टावर सिचुएशन जो चल रही है, उसका रीज़न भी आपके पर्सन की तरफ से है। अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी हुआ है, फाइट हुई है या कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, तो उसको बैठकर मिलकर सॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि अपनी ईगो के रहते आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस की कदर नहीं की है। चाहे ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन 24/7 ये जगल भी करते हैं कि मैं इस रिश्ते का क्या करूं, मैं इसको छोड़ूं कि जाऊं या रखूं, मतलब इस चीज़ को लेकर ये कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ही आपसे दूर जाते हैं तो ये पेन फील करते हैं, इनको जब हीलिंग की ज़रूरत होती है तभी आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। ऑन ऑफ मुझे इस रिलेशन में बहुत दिखाई दे रहा है, काफ़ी इग्नोर करते हैं इस रिलेशन में ना, आपको ना बहुत इग्नोर किया गया है, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो टावर सिचुएशन है ये बता रही है कि आपके पर्सन आपके लिए परेशान तो हैं, इस टावर सिचुएशन को ख़त्म भी करना चाहते हैं लेकिन एक चुप्पी साध के बैठे हैं, एक साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते जा रहे हैं।
हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स नो ब्लॉक हो एंड कुछ व्यूवर्स ऐसे हों जिन जो ब्लॉक नहीं हो लेकिन आप में बातचीत ही नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको मैसेज भी करते हो तो ये सीन करते हैं लेकिन आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, जो कि आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी हेल्थ भी यहाँ मुझे ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी सफ़र कर रहे हो लेकिन आप हर दिन उठते हो इस उम्मीद के साथ, हर्मिट का कार्ड आया है, इस उम्मीद के साथ चलो मैं मैसेज कर देती हूँ या मैसेज कर देता हूँ शायद वो आंसर कर दे, चलो मैं ही झुक जाता हूँ, चलो मैं ही झुक जाती हूँ, क्या हो जाएगा, मैं उससे प्यार तो करती हूँ ना, मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसमें क्या हो गया मैं अगर मैसेज मैं कर दूँ या वो कर दे, एक ही बात है। आप कुछ इस तरह से सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप दोनों ही चाहे तड़प रहे हो, आप अपनी तड़प को छुपाते छुपाते भी थक गए हो। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं लेकिन इनकी चुप्पी है ना जो, वो आपको बहुत परेशान करती हुई मुझे नज़र आ रही है। अपने दोस्तों से आपके बारे में बातचीत भी करते हैं, मे भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही सेम वर्क प्लेस पर काम करते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड भी लग रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी फंक्शन में मिले हों। ठीक है, आने वाले समय में मुझे किसी का बर्थडे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि उस बर्थडे के दौरान आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। नियर फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन आता हुआ भी नज़र आ रहा है, ये 2 से 3% चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इसी बहाने आपको अप्रोच कर सकते हैं, या आने वाले 3 दिनों के बाद किसी का बर्थडे है। 3 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यस नो रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म हो सकती है। कन्फ्यूजन है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो इनको अप्रोच करने से पहले, आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो कि नहीं यार मैं ही झुकती रहूं या मैं ही झुकता रहूं, मैं ही करता रहूं, मैं ही क्यों करूं। नहीं, आप ये नहीं सोचते, आप सिर्फ ये सोचते हो कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ तो क्या हो गया, उसने मैसेज नहीं किया तो मैं कर देती हूँ। आप इस तरह से सोचते हो लेकिन आपके पर्सन कन्फ्यूज कन्फ्यूज रहते हैं कि मैसेज करूँ कि नहीं करूँ। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड और बताइए कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो मेरे व्यूअर्स में बनी हुई है, मैं अभी रेडी नहीं थी इसीलिए मैं हैंग्ड है, ये कब तक ख़त्म हो सकती है। डिवाइन मैसेज दीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को कि उनके बीच की ये यहाँ पे 6 नंबर आया है, तो जून का मंथ मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जून मंथ में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन है, कपल कार्ड आया है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। आपके पार्टनर आपको जितना इग्नोर कर रहे हैं उतना ही वो तड़पते हुए मुझे दिख रहे हैं। 3 3 यहाँ भी 6 नंबर बन रहा है, तो हो सकता है आने वाले 6 दिनों में या 6 मंथ, मुझे यहाँ पे जून का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स अगर ये वापस आते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में तो इनका एक्शन क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स को लेकर, नेक्स्ट एक्शन ये क्या ले सकते हैं, एक कार्ड दीजिएगा। जस्टिस करेंगे इस रिलेशन में, जो इन्होंने गलतियां करी हैं उसको लेकर ये जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, यस है तो खुशी इनकी आपके साथ ही लेकिन वही ईगो के रहते ही आपको बहुत इग्नोर कर रहे हैं एंड आपको मेंटली बहुत पेन दे रहे हैं। फिजिकली तो आप ऊपर से दिखाई देते हो कि आप ठीक हो लेकिन अंदर से आप मुझे बहुत टूटे हुए नज़र आ रहे हो, बहुत पेन में नज़र आ रहे हो, तो उसी पेन को आपके पार्टनर ख़त्म करेंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको वो सारी खुशियाँ देंगे। मेरे को यहाँ पे कुछ एनर्जी इस तरह से लग रही है कि जून मंथ में बहुत से मेरे व्यूअर्स का रीयूनियन हो सकता है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया, यहाँ पे कप्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। 6 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ कप्स है। यूनिवर्स ये बताइए कि ये जो रीयूनियन होगा या इनके पार्टनर जब इनकी लाइफ में वापस आएंगे, ये हमेशा के लिए आएंगे, ये परमानेंट रीयूनियन होगा। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए
और प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए कि ये परमानेंट रीयूनियन होगा, यस नो में देना है आपको कार्ड, वन कार्ड ओनली। आर्कएंजल माइकल, हे शिव शक्ति, हे महाकाल, प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि ये इनका फाइनल डिसीजन होगा, ये रीयूनियन परमानेंट होगा। ओके, यूनिवर्स ने यहाँ पे फिर से आया है, 50-50 चांस है ये आपकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन आपको वो सब कुछ देने की कोशिश भी करेंगे, बहुत कुछ देना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है, यहाँ पे 6 नंबर फिर से आया है, 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं। ओके, आपको ध्यान रखने के बारे में बोला जा रहा है, आपको चीटिंग से आगाह किया जा रहा है, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास जब वापस आएंगे तो आपको पहले वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, आपको उनको हमेशा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहना है। अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो तो आपको अपनी अपने इमोशंस में, अपने जैसे आपके पर्सन करते हैं ना, आपको वैसे ही बैलेंस बना के चलना होगा, नहीं तो फिर आपको वही चीटिंग मिलेगी, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे और फिर से चले जाएंगे, जैसे ही वो हील होंगे आपकी पूरी एनर्जी को सोख लेंगे, आपको फिर से ड्रेन कर देंगे और फिर से आपकी लाइफ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड भी आया है। परमानेंट रीयूनियन नहीं बता रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि 50-50 चांस है, बट यहाँ पे साथ ही उन्होंने, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, साथ ही उन्होंने 7 of Swords का भी कार्ड दिया है, जो कि बताता है कि आपको बहुत अच्छे से इस रिलेशन में, अगर आपके पार्टनर इतने टाइम के बाद वापस आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सोचने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपने जब भी आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से उनकी बात को सुनना है, सिचुएशन को देखना है, पहले की तरह हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है, आपने ये नहीं करना है कि पूरा टाइम इनको दे देना है, अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान नहीं देना है, सारा काम धंधा छोड़कर इनके लिए ही बैठ जाना है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको आगाह भी कर रहे हैं, आपको एक तरह से रेड फ्लैग भी दिखाया जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं, हो तो आप दोनों कपल ही, ठीक है, आप दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये सारा जो कर्मा क्रिएट हो रहा है ये आपके पार्टनर की तरफ से हो रहा है, क्योंकि वो आपको पेन दे रहे हैं और वो कर्मा और बढ़ता जा रहा है, उसको ख़त्म करने की जगह यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि इस कर्मा को फिर से बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण ये परेशानी हो रही है इस रिलेशन में। आई होप आप मेरे इस पॉइंट को समझे होंगे। मैसेज देखते हैं आपके पार्टनर के, चलें थोड़े से मैसेज देखते हैं कि आपके पार्टनर अगर अगर आपके पार्टनर अभी इस समय आपको मैसेज करते हैं तो क्या करते हैं, या उनके मैसेज आपके लिए क्या हो सकते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो वो आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। बहुत सारे आ गए, मैं वापस आऊँगा, आई विल कम बैक फॉर यू, आ रहे हैं आपके पार्टनर वापस। वो आपके एक्शन से भी डर रहे हैं, हो सकता है कि इस झगड़े में आपने उनको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो, रोए हैं वो आपके लिए। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ आते हुए जब आपके बारे में सोचते हैं या उस पल को सोचते हैं जो जो कारण बना था आप में दूरी का, तो वो डर से जाते हैं एंड एक्शन लेने के लिए भी उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आपकी पिक्चर है कोई जिसको ये बार बार देखते हैं, आज भी इनके मोबाइल में आपकी पिक्चर्स हैं जिनको ये देखते रहते हैं एंड आपको मिस करते हैं, आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हैं, आपको मिस भी बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे दिख रहा है, लेकिन एक फुलिश एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि बात नहीं करनी है, चीज़ों को सुलझाना नहीं है, उलझा के रखना है। आई नीड यू, आपकी कमी इनको खलती है, लेकिन ये अपनी इस इन इमोशंस को हाइड करते हैं। यहाँ से थोड़े से लेंगे फिर हम करते हैं रीडिंग का एंड।
अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसको क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और मैनिफेस्ट कीजिएगा इस एनर्जी को, ठीक है। ये आपको मनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बिना कैसे फील करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है जब आप इनको इग्नोर करते हो। तो हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स आजकल इनको इग्नोर कर रहे हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट जैसे ये इनके साथ कर रहे हैं, आप भी वैसा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इनको आपसे दूर रहना इनको ठीक नहीं लग रहा है, ये अच्छा फील नहीं करते हैं। जब भी आपसे दूर होते हैं तो ये अच्छा फील नहीं करते हैं, इनकी एनर्जी लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, आपके रिलेशन में इन एंड आउट बहुत रहा होगा। जब भी ये आप सोचते होंगे कि चलो भाई मैं तो आगे बढ़ती हूँ, ये बंदा नहीं आने वाला है या ये बंदी नहीं आने वाली है, तब जल्दी से ये आपकी लाइफ में वापस आ जाते होंगे। आपसे दूर रहकर ये ड्रेन हो जाते हैं, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो आपकी सारी एनर्जी खींच लेते हैं और आपको ड्रेन करके अपनी लाइफ में हील हो जाते हैं और अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। आई एम वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका इंतज़ार मतलब आपके किसी एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी हिंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है गाइस, इनको कुछ भी आपने बताना नहीं है कि आप आज भी इनकी वेट कर रहे हो। इनको इस बार इनको एफर्ट्स करने दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इनको एफर्ट्स करने दीजिए, प्लीज़ डोंट मूव। ये नहीं चाहते हैं कि आप मूव करो, तभी मैंने बोला ना, जैसे ही आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो ये फटाक से आपकी लाइफ में वापस आ जाते होंगे और आप फिर से उसी सिचुएशन में चले जाते होंगे। जैसे ही ये हील होते होंगे इनके अंदर एनर्जी भर जाती होगी। अच्छा मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो आप प्यार से भरे हुए हो, ठीक है, आपके पार्टनर प्यार से भरे हुए हैं। आप क्या करते हो, आप अपना सारा प्यार इनको दे देते हो, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपनी इंटेंशन, एक एक बात इनको बता देते हो। तो ये जाते हैं भर, इनका जो प्यार का कप है वो भर जाता है, ठीक है, और आप अपना कप पूरा खाली कर लेते हो। आप हो जाते हो ड्रेन। और ये जब भर जाता है इनका कप, प्यार से भर जाते हैं, एनर्जी से भर जाते हैं, ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं, तब आप एकदम अंदर से सूख जाते हो। होता है ना, जो पौधा होता है अगर उसको पानी नहीं मिले तो वो सूख जाता है, सेम आपकी सिचुएशन भी वैसी हो जाती है। आप एकदम सूख जाते हो, आप मुरझा जाते हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अंदर से मर जाते हो। पौधा ख़त्म हो जाता है ना जब वो उसको पानी नहीं मिलता है, आपको इनका प्यार नहीं मिलता है, तो क्या होता है, आप अंदर से ही ख़त्म हो जाते हो। आप धीरे धीरे धीरे, जैसे होता है ना किसी को स्लो पॉइजन दी जाती है, वो चीज़ें आपके साथ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर समय रहते आप अपने आप को संभालते हो, आप फिर से नई अपने आप में एक नई एनर्जी लेके आते हो, अपने आप को संभालते हो, अपने दिल के टुकड़ों को जोड़ते हो और फिर से खड़े होते हो। तो जैसे ही आप खड़े होते हो आपके अंदर वो एनर्जी आती है, हीलिंग आती है, आप अपने आप को हील करते हो, आप अपने दिल को जोड़ते हो, ठीक है, आप हंसते हो, मुस्कुराते हो। जैसे ही आप ये ऐसा करते हो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से वापस आता है। तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपको रेड फ्लैग दिया है। क्या आप पहली वाली सिचुएशन में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये रीयूनियन टेम्परेरी हो? नो, हम ये चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आए तो परमानेंट आए, है ना। आप भी यही चाहते हो ना कि ये परमानेंट आए, ये कुछ कमिटमेंट लेके आए, कुछ सॉलिड कमिटमेंट के साथ आए, टाइम पास, ऐसे टाइम पास हो रहा है, ये एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ये खुद हैं आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कारण जो यहाँ पे निकल के आया है। ये आपके पर्सन हैं, इनकी तरफ से देरी हो रही है, ये फिर से आएंगे, आपको फिर से ड्रेन करेंगे, फिर से आपको एकदम, आपको मतलब कहते हैं ना बंदे को अंदर से ख़त्म कर देना, सूख जाना किसी पौधे का, है ना, वो चीज़ यहाँ पे फिर से यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो ना हो। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है, अपने आप को स्ट्रेंथ लेके आनी है। और इस बार जब ये आपके पास आते हैं आराम से इनकी बात सुनिए, देन अपनी बातों से हर चीज़ को क्लियर कीजिए कि हाँ अगर तुम इस बार आए हो, ओके मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अब बताओ कि आगे क्या करना है, फ्यूचर क्या लेके आए हो, फ्यूचर में क्या सोचते हो। आराम से बैठ के आपको इनके साथ बात करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी इस रीडिंग के थ्रू, इसके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से मिली है तो आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप आए हो पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी दुआओं के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।